अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह का टाइम है और मौसम इंतहाई हसीन हुआ हुआ है। रात से बारिश हो रही है और अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है तो मैं बाहर आई हूँ देखने के लिए। तो बहुत ही हर चीज़ निखरी सी और धुली धुली सी बहुत ही अच्छी लग रही है, रिलैक्सिंग है, माइंड बिल्कुल ही फ्रेश हो जाता है ऐसा कुछ देख के। तो मुझे ना स्टार्टिंग से ही, मतलब शुरू से ही मुझे यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगता है, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों, बट यहाँ की बारिशें, यहाँ का मौसम बहुत ही हसीन, बहुत ही मेरे दिल के करीब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं, थोड़ी सी बारिश रुकी है तो बाहर आई हूँ और थोड़ा सा वेदर को इन्जॉय कर रही हूँ। स्टिल हो रही है हल्की हल्की बारिश, बट मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी एक फ़ील ले लूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं। उसके बाद फिर जो है अम्मी अभी नाश्ता बना रही हैं और मैं फिर घर के जो छोटे मोटे काम हैं उनके साथ स्टार्ट करूंगी। और बारिश अभी कम हुई है बट रुकी नहीं है और ना ही रुकने के कोई हालात लग रहे हैं। तो बादल आप देखें, फुल काले बादल हैं और इतनी ज़्यादा जो है वो बारिश थोड़ी थोड़ी देर के बाद तेज़ होती जा रही है, जैसे सर्दियों की एक बारिशें होती हैं, बहुत ही, पता नहीं क्यों, बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो काले स्याह बादल हैं और वाकई मेरा तो सुबह सुबह मूड बहुत ही फ्रेश हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया है। तो बस अभी नाश्ता बन रहा है साथ साथ, और नाश्ते में आज पराठे बिल्कुल नहीं बन रहे हैं तो हम लोग ले रहे हैं स्लाइस, और स्लाइस के साथ हम लोग ऑमलेट लेंगे और चाय लेंगे। बस हस्बैंड मेरे अभी रेडी हो रहे हैं ऑफिस के लिए और अम्मी बना रही हैं नाश्ता, मैं उनकी हेल्प करा रही हूँ, और इसके बाद जो है बस छोटे मोटे जो घर के काम हैं वो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, काफ़ी ना क्वेश्चन आते हैं कि आपके इनलॉज कहाँ पर होते हैं, तो मैंने सोचा कि चले मैं रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि मैं एक एक को ऐसे बता नहीं सकती, तो व्लॉग में अच्छा रहता है कि मैं सबको जो है वो रिप्लाई कर दूँ, आंसर कर दूँ। तो मेरे जो इनलॉज हैं तो वो इंशाल्लाह डिटेल में आपको बताऊँगी, बस शिफ्ट हो जाऊँ तो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगी। तो वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो आते जाते हैं, अभी गए हैं वो कुछ दिन हुए हैं। तो दोनों मेरे सास ससुर दोनों आए हुए थे, अभी वो गए हैं। और जो मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, नंद है मेरी, तो वो कर रही है मेडिकल और उनके फाइनल्स चल रहे हैं, इस वजह से वो बिल्कुल ही
आजकल मंजर आम से गायब हुई भी है, तो इंशाल्लाह जब उसके पेपर्स हो जाएंगे तो वो आएगी, और काफ़ी वो आती जाती है मेरे पास, बट आजकल कुछ मंथ से बिल्कुल ही नहीं आ रही है क्योंकि उसके फाइनल्स चल रहे हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो बिज़ी हुई हुई है। बस पेपर्स उसके ऑलमोस्ट हो गए हैं और अभी उसके प्रैक्टिकल्स और वो जो फाइनल वाइवाज और वो सब रहते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह वो ज़रूर आएगी, तो मैं फिर उसको भी दिखाऊंगी। वो भी काफ़ी जो है छोटे मोटे लगी रहती है मेरे साथ, कुछ ना कुछ करती रहती है, तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला मैं दिखाऊंगी। और मैं एक ही बहू हूँ तो डेफिनेटली लाडली ही हूँ उनकी भी, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं रहते, बट मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से हम लोगों को जो है वो मतलब पहले लाहौर हम लोग रह रहे थे और अब हम इस्लामाबाद रह रहे हैं, तो यही रीज़न्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला डिटेल आप लोगों को बताऊंगी, बट आई होप के अब क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में। और दूसरा ये कि आप लोग देखें कि सबसे प्यारी चीज़ के इस्लामाबाद में गैस की कभी भी कमी नहीं होती है तो हीटर फुल चल रहे हैं और बड़ा ही मज़ा आ रहा है हीटर के आगे बैठ के इस बारिश के मौसम में, तो ठंड का एहसास ही नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है। आज रात के खाने में बन रहा है पुलाव और मुझे बहुत अच्छा लगता है अम्मी के हाथ का पुलाव, तो आज स्पेशली मैंने अपनी फरमाइश से बनवाया है अम्मी को कहकर। और उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ एक छोटा सा वीडियो क्लिप अपने भाई का, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। और एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि ये इसने कोई मेरे व्लॉग के लिए ऐसी सिंगिंग नहीं की, हम लोग रैंडमली इंजॉय करते हैं रात को, हम लोग मूवीज़ देखते हैं, सिंगिंग करते हैं, इस तरह की गपशप होती है, चाय चलती है, तो मैंने सोचा कि चलें जब हर चीज़ इंजॉय करती हूँ, रिक्वेस्ट भी है तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो मेरी तरफ से अब अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। आप तब तक इसकी सिंगिंग को इंजॉय करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए और कुछ भी नहीं, इसको इतना ज़्यादा जज मत कीजिएगा।